इंडिया में वैल्यू 870175 रुपए है। जी हाँ, ये एक बिटकॉइन की वैल्यू बता रहा हूँ। जैसे एक डॉलर की वैल्यू इंडिया में 67.64 है, तो वैसे इसकी वैल्यू इतनी है इंडिया में 8 लाख के तकरीबन। ये गूगल से मैं बता रहा हूँ। तो वैसे जैसे मैं आपको गूगल में ही चेक करवा रहा हूँ, इसके बिटकॉइन जब शुरू हुआ तो 2009 में इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं थी। उसके बाद इसकी वैल्यू बढ़ती गई, 2014 में $340 हो गई, फिर 2017 में 210, फिर मंथ बाई मंथ इसकी रेट इंक्रीज होती है। और अगर गाइस मैं आपको दिखाऊं तो 2017 में स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू $5,000 के आसपास चली गई, और 22 नवंबर के आसपास इसकी वैल्यू गाइस 13,000, जी हाँ, $13,800 के आसपास चलेगी 22 दिसंबर 2017। आपको मैं गूगल से ही दिखा रहा हूँ, खुद से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। गाइस 15 दिसंबर को $17,900 थी, थोड़ा कम हो गया, 22 दिसंबर को $13,800 हो गए। तो अगर मैं आपको $13,800 को कैलकुलेट करके बताऊँ इंडियन रुपीस में, तो गाइस तो ये जो वैल्यू आ रही है शायद मेरे भी ना पड़ी जाए। आप खुद ही चेक कर सकते हैं, अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो ये वैल्यू आती है कितनी है। जी हाँ गाइस, ये वैल्यू है, ये मेरे ख्याल से तो गाइस अरब में आ रही है। तो आप खुद सोच लीजिए, आपने तो देख सुना भी होगा, इंडिया में है तो सारे ब्रिटिश ने कुछ बिटकॉइन अर्न किए थे उस टाइम पे 2009 में, और आज इनकी वैल्यू देख लीजिए आप कहाँ पे है। तो गाइस मैं आपको इसी से रिलेटेड कुछ एक दो ऐसी साइट्स बताऊँगा जिसमें आप बिना मेहनत किए ही, बिना कुछ किए ही, बस दिन के एक दो मिनट चाहिए और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो हाँ गाइस, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ डॉग कॉइन के बारे में। तो डॉग कॉइन गाइस इंडिया में अगर 10 डॉग कॉइन है किसी के पास, उसकी वैल्यू 6.03 रुपये, अभी ज़्यादा नहीं है। जैसे बिटकॉइन के अपने टाइम में कोई वैल्यू नहीं थी, अभी डॉग कॉइन की इतनी वैल्यू नहीं है, बट इन फ्यूचर इसकी वैल्यू बहुत होने वाली गाइस। सो ट्रस्ट मी, आप इसको, आपको कुछ लगेगा तो है नहीं, वैसे दिन के 2-3 मिनट ही चाहिए। तो आपको मैं आपको दो साइट्स ऐसी बताता हूँ। जैसे सबसे पहले साइट है गाइस क्लाउड माई, इसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट रजिस्ट्रेशन करना है अपना, मतलब साइनअप करना है। जैसे आप कुछ भी राइट ऑनलाइन करते हो साइनअप करना पड़ता है, वैसे इसमें आपको साइनअप करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इसमें, मैं जैसे देखते हैं मैं साइनअप करता हूँ, तो मेरी जैसे ऑलरेडी इसमें बनी हुई है अपनी आईडी बनी है, तो आप जैसे देख पा रहे हैं इसमें काफ़ी है। तो मैं आपको बताता हूँ गाइस, जैसे साइनअप किया, ये जैसे हमारा पेज है, ये साइन इन, दोबारा मैं आपको बताता हूँ कि साइनअप जैसे करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा आपके सामने, ऐसा कुछ इंटरफेस होगा। इसमें ये जैसे डॉग कॉइन, बिटकॉइन, डॉलर, एल, ये सभी होंगे, बट आपको किसी को नहीं छेड़ना, आपको सिर्फ डॉग कॉइन को ही करना है। आप सिर्फ डॉग कॉइन एक बार क्लिक करेंगे बस, इसके बाद आपका कोई काम नहीं रहेगा। डॉग कॉइन क्लिक करेंगे अपने आप ऑटोमेटिकली माइनिंग होती रहेगी। जैसे आप मेरे देखें अभी ये 13 है, मेरे काफ़ी थे, मैं इसको दोबारा स्पीड खरीद चुका हूँ। जैसे आप देख रहे हैं गाइस कि यहाँ पे जैसे लिखा 1 डे पे 9.3, मतलब इतने एक दिन में मेरे डॉग कॉइन हो जाएंगे। पहले जब मैंने स्टार्ट किया था 5 या 6 थे, तो आपके भी गाइस इतने ही होंगे। जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ते जाएंगे तो ये स्पीड इसकी इंक्रीज होती जाएगी, और एक टाइम ऐसा है एक दिन में 10, फिर एक दिन में 15, 20, 24, एक दिन में ऐसा है कि एक एक दिन में आप 30 डॉग कॉइन अर्न कर सकेंगे। आपको करना कुछ भी नहीं, आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ फाइनेंस में जाके बाय करना है। इसको बाय कैसे करेंगे, जैसे आप यहाँ पे बाय पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जैसे नीचे आएंगे, आप देख रहे हैं इन स्टॉक अभी मैंने, क्योंकि इसको अर्न कर चुका हूँ मैं, ये जैसे मैं आपको हिस्ट्री चेक करवा रहा हूँ, हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि मैंने इतना था, 3 बार इसको मैं स्पीड इंक्रीज कर सकता हूँ। अगर मैं स्पीड ना इंक्रीज करता तो मेरी स्पीड वहीं पर ही होती, 1 दिन की 6। तो जैसे मैंने स्पीड इंक्रीज करता हूँ तो बढ़ता है। अब आपने क्या करना है, USD की जगह वहाँ पे डॉग कॉइन करना है। जैसे आपको 40 मिनिमम 40 डॉग कॉइन चाहिए स्पीड बढ़ाने पर, जैसे आप 40 फील करेंगे तो बाय कर देंगे आप। जैसे बाय करेंगे फिर ये आप अपने आप वो स्पीड परचेस हो जाएगी। तो गाइस देखिए, अब मेरे पास तो जैसे मैंने कर लिया था इसलिए हुआ नहीं, बट आप अगर करेंगे तो दोबारा हो जाएगा। बस आपने ऐसे ही आना, हर बार ही आना है यहाँ पे आके, इसको जो 40 आपको दिखेंगे वो ऑटोमेटिकली माइनिंग हो गए, 40 हो गए, तो इसको आके यहाँ पे बाय कर देना, और कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मल कर देना है, फिर 3-4 दिन बाद आना ओपन करना है। तो और आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ करना इसी को ही है डॉग कॉइन को, बस 3-4 दिन बाद आना है और आके डॉग कॉइन को बाय करना है। जिस 40 हो गए वो तो बाय कर देना, स्पीड बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ पे मेरे 9 दिख रहे हैं आपके, फिर एक दिन 10, 11, 24 ऐसे होता जाएगा, और कुछ भी नहीं है,
कोई आपको इसमें हानि आपने ये जैसे मैंने एक बार क्लिक किया हो वैसे ही अपने आप रोटेट होता ही रहता है ऐसे ही आपके गैस ही अपने आप रोटेट होता रहेगा और वहाँ पे जो वन डे पे वो टाइम इंक्रीज होता ही जाएगा। बाकी आपने किसी को नहीं छेड़ना, ना डॉलर को, ना बिटकॉइन को, ना एल को, सॉरी बिटकॉइन को। और दूसरी साइड है गाइस एपेक्स टॉप। तो गाइस एपेक्स टॉप ऐसा कुछ इंटरफेस है, इसमें सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन जैसे करेंगे, इसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से ले लीजिए। तो यहाँ पे आपने जैसे यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल आईडी और अपना कैप्चा भर के जब रजिस्टर कर लोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो इसमें आपको जैसे यहाँ पे एपेक्स टॉप ये ऐसा इंटरफेस है, इसमें आपको जैसे डी डॉट कॉइन एल, ये जो जी एच पर एस लिखा ये स्पीड है गाइस, और डॉलर आपको मेन स्पीड ही चाहिए। तो आपने किसी को नहीं छेड़ना, आपने बस ये जो डी लिखा है जहाँ पे डॉकर उसको 95 रख के बाकी ये जो बी है उसको जीरो कर देना है, जो एल है उसको भी जीरो कर देना है, और जो जी एच है उसको 5 करना है। जैसे मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मैंने किया हुआ है कि जी एच पर जो स्लैश एस है उसको 5 किया है, बाकी डॉलर भी जीरो है और डी को 95 रख, बस आपने। और एक बार इसको करना हो, इसको ये नहीं है कि बार बार करना, एक बार कर दिया बस छोड़ दिया डर से। बाद में आपने डी को जो लिखा है डॉकर उसको क्लिक करना है, बस ये अपने आप रोटेट होता रहेगा, चलता रहेगा। और ऊपर जो बाय जी एफ करेंगे तो बाद में जैसे डी का ऑप्शन है, आपके जितने रोटेशन होगी जितने डॉकन आ चुके होंगे आपने यहाँ पे डॉकन पे जाना, वहाँ से उसको कॉपी करना है। जैसे मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके पेस्ट करना है कि ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर उसको कन्वर्ट कर देगा अमाउंट में, फिर आपने उसको परचेज कर लेना। जैसे देखिए मैंने अभी परचेज किया तो यहाँ पे आगे सक्सेसफुल। तो वैसे इसी तरह ही आपने इसको परचेज करना और कुछ नहीं करना, स्पीड इंक्रीज होती जाएगी एक दिन में 5, फिर 10, फिर 20 और कुछ भी करना। और इसको भी आपने दोबारा करना, एक बार लॉगिन कर दिया 2-3 दिन के बाद दोबारा लॉगिन करें, साइन इन कर दें, फिर स्पीड इंक्रीज करते जाएं। इस पर स्पीड या इसमें आपने पावर खरीदनी है और आपके पॉकेट से कुछ नहीं जा रहा, ये खुद ही माइनिंग कर रहा है, उसको आपने उनको कंपनी को दे देना, कंपनी